मेरा ये वीडियो ग्रुप में ही डालने वाले हैं, इसीलिए मैंने सबको सलाम किया। एनीवे, गजाल रिजवी साहब को मैं तकरीबन 5 साल से जानता हूँ और उन्होंने मुझे अपने ग्रुप, फिल्म वाले ग्रुप में मुझे ऐड कर रखा है। अच्छा हुआ। और इस ग्रुप में ज़्यादातर फालतू बातें नहीं हुआ करती है, फिल्म की ही बातें होती है, ऑडिशन की मैसेज आते हैं। एक दो है लेकिन उसको जो है गजाल रिजवी साहब ने जो है रिमूव कर दिया, और अच्छा चीज़ है। कोई अगर गलत बात करे या गलत हरकत करे इस ग्रुप में तो जाहिरन उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ता है। अगर टीम में कोई प्लेयर अगर अच्छा ना खेले तो वो टीम से बाहर ही होता है। तो इसी तरह जो है एक दो लोग जो है इस ग्रुप में उटपटांग बातें करते रहे, फालतू बात करते रहे, तो गजाल रिजवी साहब ने उसे रिमूव कर दिया। लेकिन इस ग्रुप की एक खासियत है, इसमें ऑडिशन मैसेज आते हैं, मतलब रास्ता दिखाने वाला, मंजिल तक पहुंचाने का जरिया, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जो गजाल रिजवी साहब ने शुरू किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस ग्रुप की वजह से मुझे बहुत सारे हेल्प मिला, काम के जरिया बहुत सारी बातों में मुझे समझ आया कि हाँ इस तरह का होना चाहिए। बहुत सारी बातों को मैंने इग्नोर भी किया, वो होता रहता है, चलता रहता है, ज़िंदगी है, ऊंच नीच चलता रहता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, मैंने भी इस ग्रुप में बहुत सारी बातें की, लेकिन गजाल रिजवी साहब ने मेरा कभी मेरे खिलाफ़ नहीं गए या मुझे कभी गलत बात ही नहीं बोला कि हाँ आप इस तरह क्यों कहा, क्योंकि मैंने कभी गलत कहा ही नहीं। मैंने सारे एक्टर का सपोर्ट करते हुए बात किया और गजाल रिजवी साहब ने भी मेरा सपोर्ट किया। मुझे अच्छा लगा कि सारे लोग जो है ऑडिशन के ज़रिए अपने जो है मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और गजाल रिजवी साहब ने जो है ये काम जो शुरू किया तकरीबन 5 साल से, मुझे भी बहुत सारा मदद मिला।